अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती की लेटेस्ट अपडेट्स क्या है। सबसे पहले दोस्तों हम बात करने वाले आज दिन भर की अपडेट क्या है और क्या कट ऑफ 0 हो रही है। तो दोस्तों ये ऐसा सवाल आप ही के द्वारा हमसे पूछा गया और सबसे ज्यादा बार पूछा गया दोस्तों। तो हो सकता है दोस्तों आप लोग को कहीं से पता चला हो या किसी YouTube चैनल के माध्यम से आपको पता चला हो। तो दोस्तों ऐसा फिलहाल कुछ भी नहीं है, आपकी कट ऑफ 0 नहीं हो सकती। अब दोस्तों ये बात बिल्कुल क्लियर है कि आपकी कट ऑफ 0 तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती, या तो रहेगी 40-45 या तो 60-65। दोस्तों पहले हो सकता था कि ये कट ऑफ 0 की जा सकती थी, जैसा कि आपके नोटिफिकेशन में जिक्र नहीं था, लेकिन दोस्तों ये फिलहाल एक अफवाह है, आप लोग इस पर ध्यान मत दीजिए कि कट ऑफ 0 हो रही है, ठीक है। डबल बेंच की दोस्तों अपडेट आज की फिलहाल यही है कि अभी तक सरकार आपकी डबल बेंच नहीं गई है। जैसा कि हमने आपको पहले भी काफी बार कह चुके हैं कि जब तक दोस्तों ये चुनाव प्रक्रिया चलेगी तब तक हो सकता है कि सरकार लेट करे, चुनाव के बाद ही सरकार डबल बेंच जा सकती है। तो अभी आपको चुनाव खत्म होने का दोस्तों इंतजार करना चाहिए, उसके बाद दोस्तों तुरंत सरकार डबल बेंच जा सकती है। तो फिलहाल अभी तक तो सरकार डबल बेंच नहीं गई है दोस्तों, ये अभी तक की आपकी अपडेट है, आज रात के 9 बजे के बाद तक की अपडेट है दोस्तों, ठीक है। तो रात के 9 बजे तक की जितनी बड़ी अपडेट्स हैं दोस्तों उस वीडियो को यहाँ बनाया जा रहा है। तो दिन भर की अपडेट दोस्तों यही रहा कि आज वोटिंग हुई है, तो आज यूपी में वोटिंग चली दोस्तों। आप लोग को पता हो सकता है आपके जिले में भी रही हो वोटिंग, तो आप लोग को वोट जरूर करना चाहिए था दोस्तों, क्योंकि आपको ही सबक सिखाना है किसी भी सरकार को दोस्तों। आप जिसके साथ आपके साथ जो अच्छा कर रहे हैं उनके साथ अच्छा होना चाहिए, जो आपके साथ बुरा कर रहे हैं उनके साथ बुरा ही होना चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों आज की 2 महत्वपूर्ण अपडेट थी। पहली अपडेट दोस्तों ये रही कि आपकी कट ऑफ 0 नहीं हो रही, इसको समझिए। जो बच्चे अफवाह फैला रहे हैं तो ऐसा कोई बात नहीं दोस्तों, फिलहाल अभी ये कोई कट ऑफ 0 नहीं होने वाली। दोस्तों दूसरा सवाल यही था आपका कि क्या सरकार डबल बेंच गई, अभी तक दोस्तों आपकी सरकार डबल बेंच नहीं गई है। तो फिलहाल अभी तक सरकार ने अपना 60-65 का मत डबल बेंच तक नहीं ले गए, लेकिन ले जरूर जाएंगे दोस्तों, आप लोग को बिल्कुल भी होपलेस नहीं होना है। तो ये जाएंगे जरूर, लेकिन अभी चुनाव का टाइम दोस्तों, तो आपको पता है कि चुनाव के समय कोई भी अपना नुकसान नहीं चाहता, कोई भी पार्टी अपना नुकसान नहीं चाहती। तो अगर सरकार अभी जाते तो इनका अच्छा खासा नुकसान हो सकता था। अभी आपको फेज 3 का पोलिंग 29 अप्रैल को होने वाला दोस्तों, उसके बाद 6 मई को दोस्तों एक पोलिंग और होगी 6 मई को। इसके बाद दोस्तों देखिए जब तक वोट चलेंगे तब तक दोस्तों उम्मीद कम है, लेकिन जाएंगे जरूर ये तो कन्फर्म है। जैसे दोस्तों अगर अगली कोई बड़ी खबर आती है आपके शिक्षक भर्ती संबंधित, हम आपको न्यूज के माध्यम से या वीडियो के माध्यम से कैसे भी आपको अपडेट करेंगे। तो कल सुबह की पहली वीडियो के लिए आप लोग वेट करिए, अभी के लिए फिलहाल शुभ रात्रि और गुड नाइट। फिलहाल टेंशन मत लीजिए दोस्तों, जैसे कोई अपडेट आते हैं हम आपको अपडेट करेंगे।